रेप पर विवादित बयान देने वाले विधायक पहले मुकर गए थे लेकिन फिर माफी मांग ली है। चौतरफा विरोध होने के बाद विधायक आर रमेश कुमार ने सवालों को लेकिन दरकिनार कर दिया। विधानसभा में जाते विधायक ने माफी मांगने से मना किया था। आर रमेश कुमार ने बाद में ट्वीट कर अपने बयान के लिए माफी मांगी और माफी भी इस तरह से मांगी कि जैसे एहसान कर रहे हो। पत्रकारों के बार बार पूछने पर भी नहीं दिया कोई जवाब। विधानसभा में रेप को लेकर की थी बेहद भद्दी टिप्पणी जिस पर चौतरफा विवाद होने के बाद निंदा होने के बाद अब लगता है मजबूरी में ट्वीट कर एहसान जताया है कि अगर इससे महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं तो माफी मांगता हूं। लेकिन कैसे मीडिया के सवालों से बचते दिखाई दिए वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा में दाखिल होने से पहले जब पत्रकार सवाल पूछ रहे थे तो वो सिर्फ नो कहते रहे लेकिन बाद में ट्वीट कर माफी मांगी। तो ये बिहेवियर आपने देखा ये अपने आप में बहुत संकेत है। हालांकि बाद में इस अकड़ के बाद झुककर बाद में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए माफी मांगी। हालांकि उस माफी को कितना वो मीन करते हैं ये बड़ा सवाल है। खैर दबाव बढ़ा तो कांग्रेस विधायक आर रमेश ने जैसा कि हमने आपको बताया ट्वीट करके माफी मांग ली। रेप पर दिए अपने बयान के लिए रमेश ने खेद जताया, कहा मेरा इरादा कुछ वैसा नहीं था जो कहा जा रहा है। अगर महिलाओं को इस बात से तकलीफ हुई है तो फिर मैं इस बात के लिए माफी मांग लेता हूं। आगे से मैं अपने शब्दों पर संयम रखूंगा। और इसके बाद स्पीकर ने भी कहा कि इस मामले को और ज्यादा खींचा ना जाए। प्रमोद जब पहुंचे यहां पर विधायक और उनसे सवाल पूछा जा रहा था तब भी उनका रवैया बहुत ही डिसमिसिव था कि नहीं मुझे कोई बयान नहीं देना है। हाथ हिलाते हुए अंदर चले गए और फिर बस एक ट्वीट कर लग रहा है कि सिर्फ जिम्मेदारी अदा कर दी है कि हाँ बहुत विवाद हो रहा है तो मैं माफी मांग रहा हूं। अभी भी लग नहीं रहा कि उन्हें वाकई खेद है अपने बयान पर। सुमेरा रमेश कुमार ने ये पहली बार नहीं है, वो कर्नाटक असेंबली का विधानसभा स्पीकर भी था, उसी वक्त भी ऐसा बयानबाजी किया था। ये सीट पे बैठकर ऐसी बयानबाजी किया था। उसी वक्त वो कर्नाटक असेंबली में पूरा सिचुएशन का एक्सप्लेन करते करते हुए ऐसा बयान दिया था। उसी वक्त भी कांग्रेस का महिला विधायक भी उसको विरोध किया था। इस बार ऐसा बयान किया है। कल असेंबली में वो शून्य समय पे वो प्रश्नोत्तर कलाप हुआ था, उसी वक्त स्पीकर भी एक एग्जाम्पल रमेश कुमार का स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल दे रहा था। उसी वक्त रमेश कुमार भी ऐसा बयान किया, पूरा शर्मनाक बयान था। उसका बाद पूरा बीजेपी का महिला विधायक जो है वो भी विरोध किया था, भाजपा भी विरोध किया था और कांग्रेस का महिला विधायक भी उसको डिफेंड नहीं किया, उसको भी थोड़ा तकलीफ हुआ है। उसके बाद आज असेंबली शुरू है 15 बजे को, आरंभ में भी वो रमेश कुमार ऐसा माफ़ी मांगा, वो माफ़ी जैसा नहीं था, मतलब वो एक्सप्लेनेशन दिया रहता, एक्सप्लेनेशन जैसे दिया रहता जो जो लोगों के तकलीफ हुआ है इधर से मैं माफ़ी मांगूंगा, पर मेरा इरादा ऐसा नहीं था सो इसलिए मैं माफ़ी मांगूंगा, पर आई विल नॉट रिपीट ऐसा मिस्टेक बोल के बयान दिया है। पर ये प्रमोद आप बड़ी बात कह रहे हैं कि माफी जो मांगी है वो अगर मगर के साथ मांगी और वो माफी कम सफाई ज्यादा लग रही है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।